हेलो एवरीवन, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बीएड के कोर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिलेंगे, सिलेबस मिलेंगे, है ना। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो DAVV हो यानी देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी इंदौर की हो, पटना यूनिवर्सिटी की हो, पटना यूनिवर्सिटी बिहार की है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPSPU बोलते हैं, MDU हो जिसको महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है सब, या फिर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद हो, या और देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सारे यूनिवर्सिटी के कोर्स जो कि बीएड से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा अपने फर्दर कोर्स के लिए और फर्दर टॉपिक्स के लिए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बीएड कोर्स को का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। एक कॉमन सिलेबस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी और ये जो भी सिलेबस होगा वो मोर और लेस सारे यूनिवर्सिटियों में आपको सेम मिलेगा, है ना। थोड़े से फेर बदल के साथ आपको सारे सिलेबस आपको अबाउट मोस्टली मतलब 80% सिलेबस में अगर आपको बोलूं तो आपको सिमिलर मिलेंगे। तो इसलिए मैं एक बेसिक सा सिलेबस आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, उस सिलेबस को ध्यान में रख के सारे टॉपिक्स आएंगे, है ना, और सारे आपको कंटेंट्स यहाँ पे बीएड से रिलेटेड मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, है ना। आपको मैं पहले से बता दूँ कि मेरे चैनल पर सीटेट से रिलेटेड सारे कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप आगे चल के सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो या अदर किसी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हो जो कि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सको या किसी भी टीचिंग के फील्ड में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म साबित होगा, है ना। तो आज हम बीएड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हमारी तैयारी कैसी रहेगी, हम इस तरह से बीएड के कोर्स को पढ़ेंगे कि हमारा बीएड का कोर्स बोरिंग नहीं रहेगा, हम साथ में सीटेट की भी तैयारी करते हुए चलेंगे ताकि सीटेट के भी कवर कर ले सारे पोर्शन को और हम बीएड पास करते ही सीटेट भी क्वालिफाई कर जाए, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम सिलेबस डिस्कस करते हैं और ये सिलेबस जो है वो सारे यूनिवर्सिटियों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा और बेनिफिशियल है और लगभग सारे यूनिवर्सिटियों में सेम सिलेबस चलता है। तो अगर आपकी डिमांड आएगी तो आप किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस का डिस्कशन चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपके यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है ये MDU यूनिवर्सिटी का है और ये सिलेबस बहुत ही क्लियर फॉर्म में दिख रहा था इसलिए मैंने आपके इस MDU यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आपके साथ डिस्कस किया। MDU का मतलब होता है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है, जो कि आपको हरियाणा में मिलेगा। लेकिन आप अगर पटना यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो जो कि इंदौर में है, आप विक्रम यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो जिसमें आपने बीएड के कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, या किसी भी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस आपको हेल्प करेंगे। और मोर और लेस मैंने पहले भी बताया कि सारे सिलेबस सेम है, आपको टॉपिक आपके सब्जेक्ट सेम मिलेंगे तो आप मैच करते हुए पूरे कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा और बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे इस चैनल पे आपको बीएड के कोर्सेस मिलेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ना है, अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ेंगे जो कि 100 मार्क्स का टोटल है जिसमें आपको 80 मार्क्स की थ्योरी एंड 20 मार्क्स के आपके इंटरनल होते हैं। अब इंटरनल किस पे डिपेंड करता है, आपके आपका जो बिहेवियर है, आपके अटेंडेंस, इन सब चीज़ों पर आपका 20 मार्क्स या प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, उसके अलग मार्क्स होते हैं, लेकिन ये सब इंटरनल है कि आप किस तरह से रेगुलर हैं स्कूल में, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड फर्स्ट ईयर में सेकंड जो आपको पढ़ना है चैप्टर, ये आपको वो पढ़ना है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन आपको पढ़ना है, ये भी 100 मार्क्स के हैं, 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल। उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना है, तीसरा सब्जेक्ट आपका है, ये भी वही है, 100 मार्क्स टोटल, 80 मार्क्स थ्योरी, 20 मार्क्स इंटरनल। उसके बाद दो पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, वो सब्जेक्ट कैसे रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड है आपके
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बायोलॉजी आपने लिया है ट्वेल्थ में, या आपने ग्रेजुएशन में जूलॉजी लिया है, बॉटनी लिया है, तो आप उस हिसाब से लाइफ साइंस करके चैप्टर, लाइफ साइंस करके आपका पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट आएगा, वो आप ले सकते हो। उसके साथ आपको दो सब्जेक्ट लेने होते हैं, याद रखिएगा आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं और दो आपको कॉम्बिनेशन आपको खुद तय करना होता है, वो आपकी चॉइस है। आप अगर साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं बच्चे, वो साइंस के सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ्स वाले जो होते हैं वो मैथ्स के लेते हैं, सोशल साइंस वाले बच्चे सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेते हैं, है ना, और जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं हिंदी या इंग्लिश, वो लिटरेचर अपने पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपको एक कॉम्बिनेशन बैठाना होगा, अगर आप बायो ले रहे हो तो उसके साथ मैथ्स ले लो, उसके साथ केमिस्ट्री ले लो, उसके साथ फिजिक्स ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, लाइफ साइंस के साथ आप कोई भी एक लैंग्वेज की सब्जेक्ट ले लो, और लैंग्वेज की सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आगे चल के आपको किसी भी एग्जाम में इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट लेते हो, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप सोशल साइंस बैकग्राउंड के हो, है ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप दो पेडागोजी के सब्जेक्ट यानी टीचिंग के सब्जेक्ट क्या लोगे, और यही दो सब्जेक्ट आपके इंटर्नशिप में पढ़ाने को मिलेगा। आप जब इंटर्नशिप थर्ड सेम में बनता है, थर्ड सेम में यानी थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर उसको हम बोलते हैं, तो उसमें जब आप जाओगे तो यही पेडोलॉजी के सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे। आपको जाना पड़ेगा कि वही स्कूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उस स्कूल में जाके आपको इंटर्नशिप करना होगा, आपको पढ़ाना होगा, और उसी से रिलेटेड आपको फाइल्स बनानी होती है थर्ड सेमेस्टर में। यहाँ पे ईयर वाइज दिया है, लेकिन बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेज है, वो सेमेस्टर वाइज भी अपना सिलेबस को डिस्क्राइब करते हैं और देते हैं। तो आप मिला लेना कि आपको किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। मैंने ईयरली एक एक सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का आपके यहाँ आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो हुए आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। अब फर्स्ट ईयर में आपको कुछ प्रैक्टिकल भी देने होते हैं, ना। प्रैक्टिकल में कौन कौन से, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ना, प्रैक्टिकल रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट 50 नंबर का आता है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन इसके फाइलें बनती हैं, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 50-50 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए, 700 के फर्स्ट ईयर हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपको सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है। ये है आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ईयर अभी अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप सेकेंड ईयर से ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे नॉलेज एंड कैरिकुलम, असेसमेंट एंड लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारे सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं। हो सकता है ये तीन आपको थर्ड सेमेस्टर, अब सेकेंड चार सेमेस्टर होते हैं, दो साल का है तो चार सेमेस्टर होंगे, तो हो सकता है कि ये तीनों आपको थर्ड सेमेस्टर में मिल जाए, ये फोर्थ सेमेस्टर में मिल जाए, तो ये आपको अपने कॉलेज के साथ मैच करना होगा, है ना। मैं एक बेसिक सा और एक सिंपल सा आपके सामने सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज मत होइएगा। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को मैच करना है टॉपिक से, और उसके अकॉर्डिंग मेरे वीडियो देखने हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे, और उस तरह से तैयारी करना है जिस तरह से हम CTET को पास कर जाए आफ्टर BEd एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस में क्या क्या पढ़ना है, उसको हम देखते हुए आगे पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे पेडागोजी ऑफ पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई है, जैसे पेडागोजी ऑफ हिंदी को किस तरह, पेडागोजी होती क्या है, आप किस तरह से टीच करते हो, मेथड ऑफ टीचिंग किस तरह से प्रेजेंट करते हो, कितना बच्चों को समझते हो, ये सब होती है पेडागोजी, और ये सब पढ़ाई जाएगी। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, संस्कृत, किसी की संस्कृत अच्छी है तो वो संस्कृत ले सकता है, जिसकी उर्दू अच्छी है वो उर्दू ले सकता है, मैथमेटिक्स ले सकता है, होम साइंस ले सकता है, बायोलॉजिकल साइंस को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं वो ले सकता है, इकोनॉमिक्स अगर सोशल साइंस का बच्चा है तो इकोनॉमिक्स ले सकता है ना, कंप्यूटर साइंस ले सकता है अगर वो बीएड से ये BCA से रिलेटेड है, अगर किसी को इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो वो म्यूजिक भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह के पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट आपको क्या करने होते हैं, आपको चूज करने होते हैं ना, पेडोलॉजिकल ऑफ फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स। अब कॉमर्स वाले बच्चे के पास रहता है ना कि वो ना साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं ना मैथ्स बैकग्राउंड के रहते हैं, तो उनको क्या करना रहता है, वो क्या करेंगे, वो ऐसे सब्जेक्ट चूज करेंगे जो उनको
हेल्प करें। जैसे मैथ्स वाले बच्चों को कॉमर्स में मैथ्स से रिलेटेड भी बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह पढ़ने होते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, तो वो मैथ्स ले सकते हैं और एक कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट ले लेंगे। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी कि कौन से कॉम्बिनेशन को लेके आपको पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू में लेना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल देख लेंगे कि कहाँ किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगी। अब आ जाइए, सबसे पहला हम पहला सब्जेक्ट जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है ना। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डिफरेंट स्टेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना होगा। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ पढ़नी होती है, जैसे प्याजे पढ़ोगे, कोल्सबर्ग पढ़ोगे, इरिक्शन की साइको सोशल थ्योरी पढ़ोगे, है ना, फैक्टर को पढ़ोगे, कौन से फैक्टर से हमारा ग्रोथ यानी वृद्धि और विकास जो है प्रभावित होता है। आपके जो लेक्चर आएंगे वो बाइलिंगुअल आएंगे, इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको वरी नहीं होना है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आपके लिए भी कंटेंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा फिर पहला यूनिट में आपको ये पढ़ना है, दूसरा यूनिट आपका है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में आपको पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं यूनिट थ्री, ये पहले सब्जेक्ट का है, जैसे यूनिट थ्री में आपको क्या पढ़ना है, लर्निंग पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, लर्निंग अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस में। तो उसमें क्या क्या लर्निंग से रिलेटेड जो भी थ्योरियाँ हैं वो आप पढ़ोगे, जैसे बिहेवियरिस्ट थ्योरी है ना, थॉर्नडाइक की, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इनसाइट लर्निंग क्या होती है, टोलमन की साइन लर्निंग थ्योरी क्या होती है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिलेबस में पूरे डिटेल मिलेंगे, है ना, और आप अपने कॉलेज से, आप अपने यूनिवर्सिटी से सिलेबस लेकर आइए और मैच करते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये थे कुछ मैंने बेसिक सिलेबस आपके सामने डिस्कस की, जो कि सारे यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा बीएड के सिलेबस पढ़ने में, है ना। और जो चीज़ आपको, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑलवेज एवर, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पे बाय नेहा सिंह, यहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हर कंटेंट, हर टॉपिक मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।